भुट्टा खा लो, मक्की खा लो। हेलो गाइस, भुट्टा खा लो, मक्की खा लो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। ये देखो मेरी मम्मी। हेलो कर, हाय कर। हेलो। तो गाइस, आज मम्मी को नया काम मिल गया। एक काम मम्मी कर चुकी है जो मिट्टी बिछाने का था, आज नया काम मिल गया है दीवार बनाने का। तो आज दीवार का निर्माण किया जा रहा है, फिर से मिस्त्री बनी है मम्मी आज। मिट्टी के गारे से बना रही है, मिट्टी के गारे से ईंटें लगाई जा रही हैं। ऊपर से लिपाई, ये ऊपर से लिपाई हो जाएगी ऐसे। ये देखो घूघू बन के बैठी है कच्छू कुमा। और इधर देखो इतनी बारिश हुई है कि पानी पानी भर गया इधर। कहाँ जाना है? वहाँ चलो मेरे साथ। कहाँ? वहाँ चलो, बता रही हूँ ना मैं, चलो। यहाँ? यहाँ क्या करना है? मुझे भी कुछ खाने को दे दो ना। And I'm feeling देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे बहुत तेज वाली भूख लगी है, तो मैं पहले खा लूं फिर अच्छे से थैंक यू बोलूंगी। ओके, तो हो चुका है हमारा काम, दीवार हो गई है वापस से तैयार वैसी की वैसी। ये देखो, और थोड़ा बहुत रहा हुआ है वो मम्मी ऊपर से सेट कर रही है ताकि अच्छे से बन जाए, बाद में हिले ना बारिश की वजह से, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसीलिए इसको अच्छे से अभी से तैयार कर रहे हैं ताकि ये दोबारा बारिश आए तो हिल लेना। अब देखो भगवान जी क्या करते हैं, इसको कितनी देर तक मजबूत रहने देते हैं। हमने तो अपनी तरफ से पूरी 100% कर दिया है कोशिश की ये अब टूटे ना, बाकी देखते हैं क्या होता है। राम राम, सुख शांत। सो गाइज, मम्मी तो बना रही है दीवार और मेरा आज कुछ स्पेशल खाने का मन कर रहा है, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। तो चलो फिर देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं आज कुछ स्पेशल। तो ये है घोल जिसका मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसको देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ लोगों को नहीं पता चल रहा है तो मैं बता देती हूँ कि मैं चीला बनाने वाली हूँ इसका। इस पे मैंने डाला है गेहूं का आटा, उसके साथ प्याज, उसके साथ आलू, हरी मिर्च और क्या डाला है, और डाली है चने की दाल, पकी हुई जो दाल होती है वो डाली है। तो उन सबको मिला के मैंने मिक्स कर लिया है चीला बनाने के लिए, और यकीनन ये बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था, तो बहुत स्वाद बनेगा। तो चलो फिर बनाते हैं इसको और मज़े से खाएंगे फिर। और हाँ, एक चीज़ भूल गई, इसमें मैंने नमक, हल्दी थोड़ी सी और मसाला भी डाला है स्वादानुसार, और ये ले लिया है मैंने ऑयल इसे पकाने के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा तवे पे पैन पे ऑयल डालते हैं और इसको अच्छे से इस पर लगा लेते हैं।
ये तवा गरम हो चुका है और अब हम इस पर डालेंगे ये पेस्ट। तो ये मैंने पेस्ट डाल के इसको अच्छे से पूरे तवे पे फैला दिया है और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है और एक तरफ से पकने के बाद इसको दूसरी साइड कर देंगे। तो ये बहुत स्वादिष्ट बनने वाला है। आई नो, दूसरी साइड से कुछ इस तरह से पक गया था और इस पे मैंने लगा दिया है थोड़ा थोड़ा ऑयल और अब मैं इसको फिर से पलटी मरवा देती हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। एक साइड से देखो पक के इस तरीके का हो गया है और अभी तक भी ये धीमी आंच पे ही पक रहा है, क्योंकि धीमी आंच पे पकेगा तभी ये सही से पक पाएगा, वरना ये अंदर से कच्चा रह जाता है और बाहर बाहर से पक जाता है। इसे थोड़ा टाइम हो गया है पकते हुए, अब देखते हैं इसको पलट कर कि ये पका है, कितना पका है, कितना कच्चा है। ए तेरी शिट मैन, ये क्या कर दिया, मेरा पहला चीला कर दिया ना खराब। मैंने पहले ही बताया था कि हमारी पहली चीज जो है वो कभी भी सही से नहीं बनती है। टूटा नहीं, इतना भला है, इसकी हड्डियाँ अभी ठीक ठाक हैं, तो इसको आराम से पलटते हैं। हाँ ऐसा हो गया पक्कर, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में और भी स्वाद लगेगा और आप लोगों के मुंह में पानी आएगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी बना के खा सकते हो, मैं आपको रोकूंगी नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जाओ फिर तैयारी करो इसे बनाने की और फिर मज़े से खाने की। अगर आप यहाँ से उठा के खा सकते हो, पॉसिबिलिटी है तो खा लो, वरना अपने तवे पे बनाओ और फिर उससे उठा के खाना। ओके तो गाइस, मेरा चीला तैयार हो चुका है, ये देखो मेरा चीला बन गया है और अब मैं इसे खाऊंगी स्वाद के साथ। चीला तो तैयार हो गया लेकिन चीला बनाने के चक्कर में ना मेरे मुंह पे जलन हो रही है। क्या है ना, हरी मिर्ची थी ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। और वैसे तो मैंने ऑयल लगाया था मिर्ची काटने से पहले हाथों पे, सरसों का तेल लगाया था, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा असर रह गया उसका। और जब फेस पे थोड़ा बहुत लग ही जाता है, मतलब पता नहीं चलता, तो इसलिए फेस पे लगा, तो इसी वजह से यहाँ और यहाँ फेस पे अब जलन हो रही है तीखी मिर्ची की वजह से। तो वो कहते ना कि कुछ अच्छा खाने के लिए कुछ बुरा तो झेलना पड़ता है, जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, वैसे ही कुछ अच्छा खाने के लिए मिर्ची को झेलना ही पड़ता है। तो अब झेलना ही पड़ेगा, फ्राई लागे तभी तो स्वाद का मजा ले पाएंगे ना। तो अपने मिर्ची को रखते हैं साइड में, जलन को रखते हैं साइड में और खाते हैं चीला, इसका स्वाद लेते हैं, है ना। तो गाइज अब मम्मी की बारी आई है चीला खाने की, खा रही है मम्मी, देखो हाथ में ले रखा है, क्या लगता है मम्मी चीला? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बना है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो मेरे जैसे बनाने का, बहुत स्वादिष्ट लगेगा सच में, हमें तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको भी पसंद आएगा तो आप भी बना के खा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चीला बनाइए और खाइए।